नमस्कार डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सरदार मनजीत सिंह जी, एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष। मनजीत जी आपका स्वागत है। 11 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया था उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी की राजनीतिक में क्या बदलाव आया है, क्या सोचते हैं मनजीत सिंह जी? देखिए उसके बाद जो बदलाव ये है कि जो लोगों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट जी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक डिसीजन देगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये समझते थे कि 317 जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उससे लोगों को निराशा हुई, लोग उससे थोड़े हताश हुए। लेकिन दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारतन की, एक तो कि स्टेट जो है वो रिस्टोर की जाए और दूसरा है कि इलेक्शन के लिए उन्होंने ये कहा कि 30 सितंबर से पहले पहले यहाँ असेंबली जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए, असेंबली का चुनाव हो जाए जी। उससे लोगों में एक थोड़ा सा उत्साह बना कि कोर्ट ने इस बात की कॉग्निजेंस ली है। और दूसरा, विनोद जी, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियाँ, ख़ास तौर पे जो वैली वेस्ट थी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो आज तक लोगों को रायशुमारी से लेके फिर उसके बाद ऑटोनॉमी के बाद फिर सेल्फ रूल और अब लास्ट में ये कहा गया कि हम 370 रिस्टोर करवाएंगे और लोगों में एक इस किस्म की वो भावना पैदा की। और जब ये डीडीसी चुनाव था तब भी कहा हमको वोट दे दो, हम ये कराएंगे। लेकिन इस जजमेंट के बाद मुझे लगता है कि इन पार्टियों की जो दुकान है वो एक तरीके से उनका सौदा बिक गया, ख़त्म हो गया जी। क्योंकि उनके जो कोर इश्यूज थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से विराम लगा दिया जी, कि अब 370 रिस्टोर नहीं हो सकती जी। अब ये अपने मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं कि 70 साल लगे तोड़ने में, अब हमें 100 साल लगेगा रिस्टोर कराने में, लेकिन हम करते रहेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि हम ना आपको वापस दिला के देंगे, हमारी कस्टम सक्सेसफुल चलती जा रही है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कोर इशू यही था, वो इसी पे राजनीति कर रहे थे, जो कि वो एक झूठी राजनीति कर रहे थे, दिखावे की राजनीति कर रहे थे और अब भी वो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब लोग जो हैं वो इन बात पे इन पे यकीन करेंगे, क्योंकि जब आप सत्ता में रह के, जब आप पावर में रह के, जब आप हुकूमत में रह के पिछले 70 साल से आप ही का राज यहाँ रहा और आपके राज के दौरान ही ये आपसे छिन गया, आप तो ज़्यादा लेना चाहते थे जो अवेलेबल था, आप तो ऑटोनॉमी मांग रहे थे, आप उससे ज़्यादा मांग रहे थे, आपसे जो था वो भी चला गया। तो ये जो सवाल आपने पूछा मुझे कि इसके बाद इसका क्या असर है, तो इसके बाद असर यह है कि अब लोग कश्मीर के समझ रहे हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर पार्टी के हवाले से, जहां अपनी पार्टी के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि डे वन जब हमने पार्टी फॉर्म की जी, तो हमने पहले ही लोगों को सच की बात की। हमने कहा कि हमारा मुद्दा है कि हमारी जो शनाख्त ख़त्म की गई है, हमारी रियासत हमसे छीन ली गई है, वो रियासत रिस्टोर होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये था कि यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो, ज़मीनें बाहर के लोग ना लें जी, और इलेक्शन यहाँ कराई जाए। तो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो कम से कम हमारे उन दो कोर इश्यूज़ को उन्होंने इस पर एड्रेस किया है कि रियासत भी बहाल करो और दूसरा उन्होंने कहा है कि चुनाव भी कराओ जी। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इस हद तक जम्मू के लोगों में अच्छा इसका मैसेज गया है कि लोग जो 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार आए। कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया, पूरे देश ने मनाया, उससे एक दिन पहले मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया जी। लेकिन यहाँ का जो मतदाता है वो ये कह रहा है कि हमें ये गणतंत्र का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, जब पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव 10 साल से नहीं हो रहा, पंचायतों का चुनाव भी अब
एक माने के साथ के ओबीसी को इसमें करना है, तो सरकार करना चाहे तो समय रहते पहले कर लेती। जी जी जी। अब ये टाल दी। मजीत सिंह जी, अगर जम्मू कश्मीर के उस तरफ देखा जाए तो इंडिया लाइंस, जिसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ममता बनर्जी अलायदा हो गई, नीतीश अलायदा हो गया, आम आदमी पार्टी उसने अलायदा से दामन। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब रेस्ट ऑफ कंट्री में ये ताश की पत्तों की तरह बिखर गया तो यहाँ ये फिर कैसे सस्टेन करेंगे? जी, जब कंट्री में कहीं पर भी इनका वो तालमेल नहीं है तो यहाँ जो है वो तालमेल इनका कैसे बनेगा? तो मुझे लगता नहीं। अब ये तो वही जानते हैं, उनकी लीडरशिप जानती है कि किस लेवल पे उनकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्योंकि आज आके 5 सीटें हैं। अब उस पर जो इनके मेन ग्रुप हैं उसमें कांग्रेस भी है, उसमें नेशनल कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, और कुछ और छोटे छोटे ग्रुप्स इनके साथ हैं। अब किस किस को मैंडेट मिलता है, कौन कौन सीटें, जो सुनने में आता है कि कांग्रेस कहती है 3 सीटें हमको दे दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 3 सीटें हमको दे दो, पीडीपी भी क्लेम कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ये ताश की पत्तों की तरह बिखरेगा। मंजू जी, अगर आपको लगता है कि बड़े सिंसियर होते कि आप यानी इंडिया अलायंस ने रोकना है जो तूफान भारतीय जनता पार्टी का लगातार चलता आ रहा है, 2019 में 303 सीटें, अगर उनको रोकना है तो आप जैसे घटक दलों को भी वो आमंत्रित करते हैं। आप है पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, गुलाम नबी आज़ाद है, उनको भी साथ में, लेकिन आपको इन्होंने न्योता नहीं दिया उसमें। देखिए, अब ये तो उन पर निर्भर करता है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या लीडरशिप सोच रही है, लेकिन लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है जी वो खड़ी है, और जो भी लोगों के हित में बात होगी उस पर हम पार्टी हमारी कभी पीछे नहीं हटेगी। जी, लेकिन अपनी पार्टी का जितना जलवा शुरुआत में था जब आप मिले प्रधानमंत्री से, उसके बाद पार्टी का गठन किया, वो आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ता जा रहा है। नहीं, ये आपका सोचना है। जी, ये आपका सोचना है। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज जम्मू कश्मीर के हर ब्लॉक में है। कल ही आप देखिए, कल गणतंत्र दिवस था तो हर क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूएंसी में गणतंत्र दिवस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के द्वारा मनाया गया। शायद इट इज़ द ओनली पार्टी जिसने कठुआ से लेके और टंगटार तक हर जगह, हर कंस्टिट्यूएंसी में ये नेशनल पर्व जो बनाया, ये इसलिए बना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज हर जगह पे है। जी, जब शुरुआत में आपने बात की तो उस वक्त पार्टी जो है वो फॉर्मेशन के दौर में थी, आज पार्टी ग्राउंड में चली गई है, आज पार्टी की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो गई हैं। जी, और हर जगह पे हमारे चेहरे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, असेंबली के हवाले से आप देखो तो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं भी है, आज तो हम एक स्ट्रांग पिलर की तरह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो खड़ी है एक मजबूती के साथ हर क्षेत्र में, और यहाँ हम कहीं कमज़ोर थे क्योंकि हमको 4 साल का ही समय, अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, बीच में 1.5 साल तो कोविड में निकल गया, कोविड में हम घूम नहीं पाए, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमारे हर जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी का जो फाउंडेशन डे से लेके आज तक हम दिन ब दिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आप जमीनी सतह में मजबूत हैं मान लेते हैं, जैसे आपने कहा कि हर जगह पे कुपवाड़ा करना लखनपुर से लेकर के आपने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन कहते हैं गृह मंत्रालय में आपकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर हुई है। ऐसी बात नहीं है, गृह मंत्रालय में पकड़ पहले मजबूत थी या कमज़ोर रही, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में लोगों के जो इश्यूज हैं जिनको लेके ये पार्टी वजूद में आई उसके लिए लोगों को जागृत कर रही है, और मुझे, मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैं दावे से कह सकता हूँ कि बाकी पार्टियों के मुकाबले में अपनी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।
जी अगर फील्ड में देखा जाए, अगर लोगों का जो हमारे साथ जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आई कैन से विद अथॉरिटी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू के 10 जिलों में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मंजू जी, आपको मैं सवाल पूछूंगा, उसका आप जवाब नहीं देंगे, कहेंगे कि हाईकमान तय करेगी। क्या लोकसभा के चुनावों में आप कश्मीर की 2 सीटें पे कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, हम 5 की 5 में उतारेंगे। अब 2 की बात क्या कर रहे हैं जी? और मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम 5 की 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो जम्मू यूटी की 5 पार्लियामेंट्री सीटें हैं, जिसमें जम्मू की सीट है, उधमपुर की सीट है, और रजौरी अनंतनाग की सीट है, सेंट्रल श्रीनगर की सीट है, नॉर्थ की सीट है, 5ों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये सारा फाइनल हो जाएगा और कौन कौन हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ये भी आपको इसकी इतला भी आपको मिल जाएगी। मंजू जी, जब पार्टी का गठन हुआ था तब अल्ताफ बुखारी कहते थे कि हमारी नज़र, हमारे चश्मे में जम्मू कश्मीर और एक ही रहेगी। अब हम देखते हैं तो एक्टिविटीज़ कश्मीर में ज़्यादा होती हैं मुकाबला जम्मू से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जम्मू में भी पार्टी की एक्टिविटी उतनी ही तेज़ी से हो रही है जितनी कश्मीर में हो रही हैं जी। और अभी पिछले दिनों ही हमारे 4-5 प्रोग्राम, एक वीरपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद जम्मू में हमारे 2-3 प्रोग्राम हुए, बिश्नाह में हमारा प्रोग्राम हुआ। आने वाले दिनों में, क्योंकि बीच में ठंड बहुत थी, सर्दी बहुत थी, तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम हर जगह कर रहे थे, लेकिन बड़े प्रोग्राम जो हैं ये अब फरवरी महीने में आपको देखेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हैं हम ये बड़े बड़े जलसे करेंगे। और ये ठीक है कि कश्मीर में हमारी लीडरशिप ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा MLA XML मंत्री वहाँ हैं, लेकिन यहाँ भी हमारा जो है रजौरी पुंछ का इलाका है, रियासी का इलाका है, किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, सांबा का इलाका है, जम्मू प्रॉपर का है, उधमपुर में है, तो हर जगह हमारे साथी जो हैं वो काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि अपनी पार्टी जो है बनस्पत बाकी पार्टियों के तेज़ी से आगे बढ़ रही है जी। लेकिन जब आप यूनियन गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर में उसका आपको नुकसान होगा, या मुस्लिम बहुल हलकों में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, हम कहीं भी इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात नहीं करते, हम सच की बात करते हैं। ये सच महंगा पड़ सकता है, महंगा सच होता ही महंगा, सच हमेशा महंगा होता है, बट हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों को गलत सपने नहीं दिखाएंगे। जो आज तक ये कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या PDP जो गलत सपने दिखाती रही, हम वो नहीं दिखाएंगे। हम नौजवानों को बंदूक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम लोगों नौजवानों को कब्रिस्तान की तरफ लेके नहीं जाएंगे। हम नौजवानों के मुद्दे उठा रहे हैं कि भैया इनको जॉब मिले, नौजवान मुख्यधारा में आए। हम किसान की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट दोनों खितों में यकसा हो, बराबर की हो, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रयास कर रही है। और मुझे आई एम वेरी हैप्पी के लोग हमारे इस एजेंडे के साथ जुड़ रहे हैं, और जो सच के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि सच ये है। क्योंकि जब हमने कहा कि हमारी स्टेट दे दो, जब हमने कहा हमारे बच्चों को रोज़गार सुरक्षित करो, जब हमने कहा कि यहाँ पे हमारी ज़मीनों पे बाहर का कोई ना आए, तो ये क्रेडिट तो अल्ताफ बुखारी को जाता है जी। कि डोमिसाइल तो अल्ताफ बुखारी की इंटरवेंशन से आया, हालांकि हम 15 साल के हक में नहीं है, बट ये क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को जाता है कि वो जो ऑर्डर निकला था कि सिर्फ 4th क्लास पोस्टें ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेंगी, बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री के लोग लेंगे, बट दिस क्रेडिट गोज टू अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए मनवाया, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो आर्डर चेंज हुआ कि जिसमें सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। तो ये बिना वोट लिए अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर सकती है, तो आगे जब हुकूमत हमारी बनेगी तो अपनी पार्टी निश्चित तौर पे जो हमने कमिटमेंटें की हैं उस पर हम पूरा उतरेंगे। आपको लगता है कि कश्मीर का युवा आपकी बात से सहमत है, जो सच आप बोलते हैं वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। सिर्फ आपके कारकुन नहीं, अपने कार्यकर्ता नहीं, आम कश्मीरी, आम कश्मीरी समझ रहा है कि सच ये है। क्योंकि आज तो वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि स्टेट दे दो,
आज वही बात पीडीपी कह रही है जो चार साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही है कि हम आपकी जद्दोजहद के साथ है 370 और 35 से आपको ला के देंगे। लेकिन नौजवान ये कहता है कि भैया जब आप थे हुकूमत में तो आपके हाथ से निकल गई जी, आपके समय में 370 ही रोड हुई, 370 में बचा क्या था, 370 तो सिर्फ ब्राय नाम थी ना जी, सब कुछ तो चला गया था जी, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर तक आ गए, तो ये सब चीजें तो कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान आज समझ रहा है जी। और अपनी पार्टी की इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है कि हमने सच की बात की, शुरू में मुश्किलात जरूर आई क्योंकि वो लोगों के सेंटीमेंट भड़का रहे थे, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा कि हम सच पे अड़े रहेंगे, और आज हमें खुशी है कि नौजवान जो है वो समझ रहा है कि असली बात यही है, क्योंकि अब ये पार्टियां भी घुमा फिरा के उसी बात पे आ गई कि स्टेट दे दो चुनाव करवाओ, तो ये बात तो चार साल पहले हमने की, तो इन्होंने क्या क्या हम पे कोमते उस वक्त लगाई जी। लेकिन आज हमारे ही एजेंडे को जो है ये विंडिकेट कर रहे हैं उसी पे ये आज वो पब्लिक के बीच में ये कहते हैं कि ये दिल्ली की तैयार की हुई पार्टी है। नहीं, अब मैं कहता हूँ कि ये जब किसी से कोई किसी पे एलिगेशन लगाना हो तो मैं तो कहता हूँ हम तो अभी हुकूमत में नहीं, दिल्ली के साथ तो ये जुड़े रहे जी, पीडीपी ने तो बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उमर अब्दुल्ला साहब सेंटर में मंत्री रहे बीजेपी के साथ, तो हम पे क्यों ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो पहले अपने गरेबान में जाके ना जी, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने लाया या मजबूत किया तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कारण इनके पैर यहाँ आए जी, अपनी पार्टी पे और क्या एलिगेशन ये लगा सकते हैं, वहाँ सिवाय इस बात के कि जब पीडीपी यहाँ बनी थी तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को कहते थे ये दिल्ली ने तैयार की है, फिर हमारे लिए कहते थे, अब आज़ाद साहब को कहते हैं, जो भी पार्टी आएगी उसको ये कोई ना कोई एलिगेशन लगाएंगे, बट लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि लोगों की बात कौन कर रहा है जी। मंजू जी कोई एक ऐसी उदाहरण देंगे जिससे आपको लगता है कि कश्मीर का यूथ यह समझ रहा है कि अपनी पार्टी की क्यादत जो है वो सच बोल रही है? नहीं, उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब पिछले साल हमने लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमने कश्मीर में बहुत बड़ी रैली जो हुई बहुत लंबे समय के बाद मिलिटेंसी के दौर के बाद जब शेर कश्मीर स्टेडियम में, तो जब उसमें हज़ारों की तादाद में नौजवान आए जी, तो वो नौजवान इस बात को दर्शाता है कि उनको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो सच की राजनीति है उस पर उनका कॉन्फिडेंस बन रहा है, तभी तो वो नौजवान उस जलसे में आए थे जी, इतनी भारी तादाद में आए थे जी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, नौजवान लोगों को ही आप देखोगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो बागडोर है वो नौजवानों के हाथ में होगी जी। ये मंजू जी कहते हैं कि दिल्ली का ट्रस्ट आप पे कम हो गया है, और शायद ये कारण है कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो तो इनकार कर रहे हैं जी, वो कहाँ ऑफिशियली तो दे हैव नॉट ज्वाइन, कहाँ ज्वाइन किया है, वो तो उनके मोती साहब के डेथ एनिवर्सरी पे गए और एक साथी रहे हैं उसमें, कोई चला जाए डजन मीन्स के वो उसकी पार्टी में चले गए, और पीडीपी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजनेस है, अब ये तो मैं आपके थ्रू सुन रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा होगा, और हमें किसी की क्लोजनेस की ज़रूरत नहीं है, हम तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं जी, हम तो जम्मू कश्मीर के जो बेसिक इश्यूज हैं वी आर फाइटिंग फॉर इट जी, और ये फैसला तो लोगों को करना है ना। कहते हैं कि आपके बड़े नेताओं के साथ भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग संपर्क में हैं जो जम्मू प्रोविंस के मुस्लिम फेसेस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, आज तक ये शुरू से ये बातें चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े वो मजबूती के साथ आज तक जुड़े हुए हैं, बड़ी र्यूमर्स चली वो गया वो गया वो गया, बट सब जो लोग जहाँ आए हैं वो दिल से आए हैं और दिल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद पंचायत तो नॉन पार्टी बेस पे होते हैं, दूसरे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे उसके लिए जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, अपनी पार्टी तैयार है या तैयारी कर रही है? बिल्कुल नहीं तैयार, 100% तैयार थी, जब ये था कि भाई ये चुनाव होने वाले हैं
तो हमने तो हर जगह अपने कैंडिडेट तय किए थे, हर म्यूनसिपल कमेटी में तय किए थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने तय किए थे, और मुझे पूरा भरोसा था कि हम अच्छा रिजल्ट देते, लेकिन अब बदकिस्मती हो गई कि इन्होंने टाल दिए। बट जब भी होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अच्छा जो है वो उसके हक में रिजल्ट आएंगे, लोग पूरी तरह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप न्यायपालिका की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार न्यायपालिका की मानती है? नहीं मान, मैं तो कहूँगा मानना चाहिए, अगर न्यायपालिका की नहीं मानेंगे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तो कंटेम्प्ट भी मानी जाएगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यायपालिका की नहीं मानेगी, ये तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अगर उनकी नहीं मानी जाए तो। जी, 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठान हुआ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी को लोकतंत्र दिवस मनाया गया, और 30 को गांधी जी के असैसिनेशन, यानी जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई थी नथुराम गोडसे द्वारा, इन तीनों में आपका डिफरेंस समझते हैं क्या वाकई में? जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि 26 जो लोकतंत्र है उसका इस मौजूदा रजीम ने गला घोटा है, कभी आपको लगा? नहीं, देखो कुछ एक बातें तो ऐसी हैं कि यहाँ जो लोगों के बेसिक इश्यूज़ हैं जी, उसकी तरफ ध्यान जो है वो हटाया जा रहा है जी, जो असल मुद्दे हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान हटा के कहीं और लोगों का ध्यान जो है वो खींचने में केंद्र सरकार जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। लोगों के जो कोर इश्यूज़ हैं, नौजवानों के इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, किसानों के इश्यूज़ हैं, या आपके दिहाड़ीदारों के इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल लेबर के इश्यूज़ हैं, छोटे बिजनेसमैन के इशू हैं, इन इश्यूज़ को सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही। और अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखो तो सरकार में और लोगों में गैप बढ़ रहा है, गवर्नमेंट अखबारों के ज़रिए मीडिया के ज़रिए बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड में जो है वो कनेक्ट लोगों के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जिसको हम कहते हैं कि डेफिशिएंट जो है गवर्नेंस डेफिशिएंस ये है जी। तो ये तभी पूरा होगा जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, कोई भी आए, किसी को भी लोग चुने, चुनी हुई सरकार ही सही मायनों में लोगों का सही नेतृत्व कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को ये गवर्नमेंट जो है ये मानेगी और चुनाव करवाएगी। मंजीत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी पर दबाव है यूनियन गवर्नमेंट का, तभी तो आपके पास इतने इश्यूज हैं, लेकिन उन इश्यूज को लेकर के आप रोड्स पे नहीं आते। आप देखिए डेली वेजर्स का इशू है, आशा वर्कर, आपको टिप्स पे गिना दूं, इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। हर इशू को लेके देखो, मैं आपको विनोद जी बताऊं, ये शायद आप हमारे साथ जाती कर रहे हो, हर इशू पे हमने बात की है। देखिए कल टोल प्लाजा बंद हुआ, ये पर्ली मोड में जो लगा था जी, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया, मैंने उसको लीड किया, और टाइम एंड अगेन मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करता कि ये टोल प्लाजा गलत लगा है, सड़क बन रही है, आप क्यों लोगों से टोल रहे हो, दो दो घंटे तीन तीन घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं, सड़क सारी आपने उखाड़ दी है। पर आपको तो वहीं से गुजर, मैं रोज वहां से आता हूँ, रोज का। तो इस मुद्दे को हमने उठाया, ये जो माइनिंग का इशू था, ये माइनिंग पे जो लूट होती थी, इसका पूरी स्टेट में हमने प्रोटेस्ट किया और आज भी लोगों को जागृत कर रहे हैं जी। इसी तरीके से डेली वेजेस के लिए, और ये जो हमारे जो एम्प्लॉइज की पेंशन इन्होंने बंद कर दी है जी, हमारा हम उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष करने का तरीका है कि लोगों को एक्टिव करना है, लोगों को समझाना है, लोगों में जाना है, वो हम जा रहे हैं। हम कहीं भी ये नहीं हो सकता है कि जो पब्लिक इश्यूज हैं उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी साइलेंट बैठी हो, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं सड़क नहीं, उन मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर जगह आवाज बुलंद कर रही है। ये कहा जाता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जल्दी की गई है क्योंकि 2024 के चुनाव थे, उसको मद्देनजर देखते हुए इस पर सियासत की गई है, रामलला पर सियासत की है बीजेपी ने। देखिए मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये श्रेय जाएगा केंद्र सरकार को जी, के जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे दुनिया भर के जो लोग जो भगवान राम को मानते हैं, तो बड़ी लंबी लड़ाई उसके लिए लड़ी, कोर्टों में भी गए और अल्टीमेटली
रामलला जी वहाँ स्थापित हुए, तो हर नागरिक को इस पे गर्व है। अब इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इस पे कोई होगी। जब वोट देने की बारी आएगी तो मतदाता अपनी मर्जी से वोट देगा जी, ये ठीक है। जब इस बात का श्रेय की बात है तो केंद्र सरकार को ये श्रेय जरूर जाता है कि उन्होंने जो है ये कोर्ट में विग्रेसली कंटेस्ट किया और इसको समय रहते जो है इसको पूरा किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके साथ सियासत को जोड़ा जाए, ये आस्था का मसला है। भगवान राम को सभी मानते हैं और भगवान राम जी अपनी जगह पे स्थापित हुए और इसके लिए पहली सरकारों ने भी ज़रूर काम किया होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि पहली सरकारें चुप बैठी थी। अब चूंकि कोर्ट में लंबा बैटल था, अब ये क्रेडिट इनको गया कि इनके समय में डिसीजन होगा जी। लेकिन जिस राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें, उनको न्योता दिया गया था और जैसे आप कहते हैं कि सेंटिमेंट्स रामलला के साथ सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, क्या वो किसी एक समुदाय को ओबीएस करने के लिए उस फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाए? अब मैं इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये तो वही बेहतर है, वो उनकी लीडरशिप जवाब दे पाएगी। लेकिन मुझे ये मैं इंडिविजुअली ये जरूर कहूँगा कि भगवान के घर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर बुलाया जाता है, उनको बुलाया गया तो उनको आना चाहिए था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। इससे उनकी पार्टी को क्या डैमेज होना था? तो अगर वो नहीं आए तो वो किस लिए नहीं आए, अब उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मनोज जी, कभी आपको कोई स्टेटमेंट देने में एतराज़ होता है कि वो कश्मीर को डैमेज, कश्मीर में पार्टी को डैमेज कर सकती है? आज तक आपने आपके बड़े नेताओं कभी लगा? आप जब भी मुझे बुलाते हो, जो भी सवाल आप पूछते हो जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जम्मू का या कश्मीर में कोई मतलब। अपनी पार्टी तो शुरू से ये कह रही है कि जो बात जम्मू के नौजवान को चाहिए वो भी कश्मीर का नौजवान भी नौकरी चाहता है, जम्मू का नौजवान भी नौकरी चाहता है, कश्मीर का नौजवान भी पढ़ा लिखा चाहता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, जम्मू का नौजवान भी चाहता है मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। अब वो बातें चली गई। ये जो मैंने ये कहा ना, ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो चलाती थी पार्टियाँ, अब वो कहा, अब नौजवान समझ चुका है कि हमारे फ्यूचर के साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों ने खेला है, ऐसा कुछ नहीं है। और पिछले 4 साल से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कश्मीर में हमारे किसी साथी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होगी, ना जम्मू खिते से कोई होगी, क्योंकि हम तो रियासत की तरक्की की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दबाव ऐसा कोई जी, कभी आप, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कभी आपको लगा कि जो पुरानी रिजीम्स थी, पुरानी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी वजह से भी जम्मू और कश्मीर की आवाम में वेज क्रिएट होता रहा? 100% है, 100% उन्होंने किया। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते थे, डेलिबरेटली वो ये करते थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कैश करती थी, वहाँ NCPDP इस बात को कैश करते थे और एक दूसरे के साथ ये मैच फिक्सिंग टाइप होता था। कभी कांग्रेस और BJP यहाँ बेनिफिट लेते थे, NCPDP वहाँ लेती थी, ये मैच फिक्सिंग होता था। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मैच फिक्सिंग नहीं चलेगा जी। अब लोगों के हित की बात जो पार्टी करेगी, सच की बात जो करेगी, वही पार्टी आगे आएगी। मंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और बहुत सारी बातें आपने पूछी। जी जी जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।